होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया संवाद। संवाद के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द परेशानी समाप्त करने का मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिया आश्वासन। सूर सदन प्रेक्षागृह में हुआ आयोजन। देखिए, बहुत पहले से मेरे मन में चल रहा था कि नागरिक सुरक्षा विभाग जब हमें मिला था, उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में फिर बेहतर है। फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत था कि दोनों विभागों की संयुक्त बैठक, क्योंकि दोनों विभाग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने संयुक्त रूप से बैठक करके निर्देश दिए हैं कि हमें ड्यूटी के साथ साथ मानव सेवा भी करना चाहिए, और विशेष मेरा जोर रहा है प्रकृति संरक्षण और संवर्धन पर। हम लोग अपने स्तर से क्या इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। दोनों विभाग हमारे प्रकृति का स्वच्छ रहना, स्वच्छ वातावरण में रहना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी हमारी है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण संवर्धन और दूसरा जल का संरक्षण और संवर्धन। मैं आपके माध्यम से भी विभागों के अलावा आम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमें प्रकृति का संरक्षण और जल का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी हमारी कहीं मुश्किल में फंसे उनके लिए शुद्ध हवा रहे, शुद्ध वातावरण रहे, शुद्ध पानी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये कहा है हमने, और जो भी कुछ हमारे होमगार्ड के जवान, नागरिक सुरक्षा के जवानों ने अपनी कुछ बातें कही हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और अमल करेंगे। नागरिक जो डिफेंस वाले हैं, उन्होंने कहा कि पहचान नहीं मिल पा रही, उनकी हेल्प के लिए काम। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जहाँ हमारे कहीं आपदा आती है, जब सिविल डिफेंस जमा पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं। लेकिन जिस तरह से होमगार्ड विभाग ने अपनी ड्यूटी से अलग हट करके तिरंगा यात्रा निकाली, वृक्षारोपण का बृहद अभियान चलाया, नदियों की सफाई का अभियान चलाया, इस तरह से जब समाज में काम करते हैं तो अलग पहचान बनती है समाज की। सिविल डिफेंस से भी हमने कहा है कि हम साथ साथ मानव सेवा के साथ भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से पहचान मिलेगी। अपने कार्यकाल को अगर वो समीक्षा करेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि समझ में आ जाएगा कि क्या है। रही बात एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर में वो लूट में व्यक्ति सम्मिलित थे और पुलिस विभाग ने अपना काम किया है। पुलिस विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मैं गया था चंडीगढ़, निश्चित रूप से विधायक जी की अगर संज्ञान में कुछ बातें थी तो हमें ऊपर उच्च स्तर पर बतानी चाहिए थी, अगर कहीं कोई बात है तो। और इसमें कहीं न कहीं समीक्षा भी की जाएगी, सही क्या है, और अगर कहीं कोई अधिकारी गलत है या विधायक जी अपने सही बात नहीं कह रहे हैं, तो इसमें समीक्षा की जाएगी, समीक्षा के बाद जो समझ में आएगा वो किया जाएगा।